हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या खरीदना चाहिए, रिमोट कंट्रोल कार या तो फिर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो मैंने ट्रांसमीटर न खरीद के एक रिमोट कंट्रोल कार खरीदा है। क्यों खरीदा है, चलो आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप ये देखो, रिसीवर को, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को, इसका दाम देखो और रिमोट कंट्रोल कार का दाम देखो, जिसमें मुझे 80 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। रिमोट कंट्रोल कार में 404 रुपये इसलिए लगा है, जो कि मैंने कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर किया था, नहीं तो वो भी था 399 रुपये का। आप समझ सकते हो 80 रुपये का रख पड़ा था, इसलिए मैंने इसे खरीदा है। और इसमें मुझे एक लिथियम आयरन बैटरी भी मिला है और उसे चार्ज करने के लिए एक USB चार्जर भी मिला है। तो आप समझ सकते हो 80 रुपये में मुझे एक बैटरी भी मिला, दो मोटर भी मिला और गियर भी मिला और टायर भी मिला और बॉडी तो है ही रिमोट का ऑलरेडी, और एक रिसीवर भी मिल गया, रिमोट भी मिल गया। तो चलो इसमें बैटरी लगा कर देखते हैं गाड़ी चलता है या नहीं चलता है। मैंने इसमें बैटरी लगा दिया है और गाड़ी में तो ऑलरेडी पहले से बैटरी था, तो ऑन मैंने कर दिया है। तो आप देख सकते हो तो रिमोट अच्छे से काम कर रहा है। मुझे गाड़ी से क्या काम है, मैं तो इसे बाद में निकालूंगा रिसीवर को। और एक मैंने गियर मोटर भी ऑर्डर किया था, जो कि 435 रुपये का 5 गियर मोटर था और हैवी वाला था गियर मोटर। टायर आप देख सकते हो अच्छी क्वालिटी का लब्बर वाला है। तो मैंने गियर मोटर इसीलिए खरीदा है जो कि रिसीवर और गियर मोटर को मिलाकर बना सकते हैं एक मॉन्स्टर ट्रक वगैरह। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रक, रिमोट कंट्रोल कार वगैरह बनाऊंगा, तो अभी इसे सेटअप करते हैं। तो चलो इसे अब साइड में रखते हैं और गाड़ी को खोलते हैं और निकालते हैं और क्या, रिसीवर को। मैंने रिसीवर भी निकाल लिया और गियर मोटर में कनेक्शन भी कर लिया। तो आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो खरीद सकते हो। तो मेरी आप मानो तो अभी रिमोट कंट्रोल कार खरीद लेना, उसमें मोटर भी निकल जाएगा और रिमोट का बॉडी भी निकल जाएगा। चलो अब इसे टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो आप एक को उल्टा एक को सीधा भी चला सकते हो, ना दोनों को उल्टा दोनों को सीधा भी चला सकते हो। तो दोनों को आप अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो। तो वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय।